नरेंद्र अत्री जी, क्योंकि जनता का जोश और जज्बा आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता और ज्यादा उम्मीद करती है, कुल मिलाकर दिल मांगे मोर। और आज हम दिन भर जो है जनता के बीच थे, उनके मन को टटोल रहे थे। उनकी एक बड़ी समस्या ये भी सामने आई है कि इतने कद्दावर नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर यहाँ से आते हैं, इसके बावजूद तो युवाओं को बाहर जाना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, नौकरी करने के लिए। अनुराग ठाकुर जी के जो प्रयास हैं, जो उन्होंने कहा कि इनको अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था, ऐसा नहीं है। इन्होंने अनुराग ठाकुर जी की ही देन जो है एम्स जो कॉलेज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में खुला, श्री अनुराग ठाकुर जी की देन है। यदि मेडिकल कॉलेज यहाँ लाए थे कि अनुराग जी लाए थे, पहले ये तय कर लें, यदि पीजीआई सैटेलाइट, यदि सेंटर जो अंदर खुला वो श्री अनुराग ठाकुर जी की देन है। इसके बाद जो अपने हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे बुजुर्ग जो हैं अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते, यदि उन तक अस्पताल अपनी बैन पहुंचाने का प्रयास अनुराग ठाकुर जी ने किया, तो क्या ये प्रशंसा की बात नहीं है? क्या यदि 10 लाख लोगों को, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को वो टेस्ट बैन मुहैया करवाते हैं, सांसद अस्पताल उनके घर तक पहुँचाते हैं, तो ये प्रशंसा करनी चाहिए। हमीरपुर और कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ वीरों की भूमि भी कही जाती है। अग्निवीर को लेकर यहाँ पे युवाओं में काफी रोष है सर, क्योंकि इसी धरती ने परमवीर चक्र विजेता को भी दिया है। ना जाने कितने युवाओं ने माँ भारती की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुझे बहुत हैरानी होती है, मैं आपके प्रश्न का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने भी ये प्रश्न किया उसका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत हैरानी होती है जब कांग्रेस जो है देश की सीमा की सुरक्षा की बात और सैनिक के सम्मान की बात करती है, क्योंकि कांग्रेस अधिकतर समय इस देश के अंदर सत्ता में रही, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, इनको अग्निवीर की खामियां तो निकाल रहे हैं, पर वन रैंक वन पेंशन में 1,20,000 करोड़ रुपया जो है इस देश के करोड़ों सैनिकों के खातों में गया, उसकी बात नहीं करेंगे। यदि ये अग्निवीर की बात करेंगे, पर इस प्रदेश लेकिन के नरेंद्र जी युवा तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है ना। मैडम मैं बात कर रहा हूँ, मैं सीधा इसी विषय पर आ रहा हूँ। ये बात करते हैं, पर ये 94,000 जो सैनिक इस प्रदेश के अंदर है, पूर्व सैनिक है, उनके खातों में जो वन रैंक वन पेंशन का 1,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, उसकी वो बात नहीं करते हैं। ये कांग्रेस का, देखिए ये बातों को उलझा रहे हैं। अग्निवीर की बात ये नहीं करेंगे, अग्निवीर खुद अनुराग जी लेफ्टिनेंट बन रहे हैं, और यहाँ पे हमारे बच्चों को अग्निवीर बनने के लिए वो जो उनको मजबूर कर रहे हैं। आप कहिए कि अग्निवीर को बंद करेंगे, कहिए। ये हमें गर्व है, हमें गर्व है कि अनुराग ठाकुर जी लेफ्टिनेंट का गर्व होना चाहिए। आज हमारा बच्चा अग्निवीर शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये अग्निवीर योजना है, 19 साल का वो दाखिल होगा, 23 साल का वो रिटायर हो जाएगा, ये अग्निवीर तो ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया है कि युवाओं को उनके देश के अंदर सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है, वो मिल रहा है। कांग्रेस में नहीं मिलाई, अपने देश के युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा भरने के लिए यदि स्कीम लाई गई है, तो उसके पॉजिटिव पहलुओं को देखा जाए, उसके बाद उसकी खामियां।